साइड साइड चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई कौन क्या प्रॉब्लम है जो वीडियोज अपलोड नहीं कर रहे हो। तो कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से वीडियोज अपलोड नहीं कर पाया, पर आप लोगों को दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो मुझे। तो आज का वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम अपने घर का टूर करने वाले हैं, मतलब होम टूर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है हमारा घर का बाउंड्री वॉल और आप लोगों को एंट्री करना होगा हमारा ये वाला गेट से। ये वाला गेट खोलते ही आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारा घर। ये हम लोगों का सिंपल सा घर है। तो हम लोगों ने कुछ मतलब फ्लावर्स लगा के रखे, फिर भी फ्लावर्स निकल नहीं रहा है यार। देखो यहाँ पे निकला है ये वाला। तो ये फ्लावर्स है और हमारे घर पे सबसे अच्छा चीज क्या है पता, इस सीजन का जैसे आप लोग देख सकते हो कितना सारा मैंगो है। और इस सीजन में तो मैंगो और हम लोग का जो मैंगो है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत मीठा होता है। अगर आप लोग कभी आओगे तो मैं आप लोगों को जरूर खिलाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो घर का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सुबह को वर्कआउट करने के लिए कुछ कुछ सामान रखा गया है यहाँ पे। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग या क्या बोलते हैं नहीं पता। और डंबल्स भी बहुत सारा है, अभी कहाँ पे खो गया है नहीं पता। यहाँ पे बहुत सारा टब्स है, मतलब फ्लावर्स का थोड़ा बहुत शौक है, इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग फ्लावर्स लगाए हुए अपने घर पे। मतलब कुछ प्लांट जैसे कि ये वाला देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो। बाहर का तो आप लोगों ने देख लिया, कुछ खास नहीं है देखने के लिए। और इधर में हम लोग गाड़ी वाड़ी पार्किंग करते हैं और जितना बाइक पार्किंग होता है सब वो अंडर की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखने लायक तो कुछ नहीं है, पर अंडर लेके जाता हूँ। अंडर में भी इतना खास नहीं है, मतलब मिडिल क्लास है और क्या है, फिर भी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग मेरा फैमिली जैसे हो ना। मेरा घर मैं कैसे रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, ये तो जानना आप लोगों को बनता है। तो यह है हमारा घर, अभी अंदर भी आप लोगों को लेके चलेंगे। चलो अंदर। सो घर हम लोगों का कुछ इस तरीके का दिखता है और इस घर को बनाने में पप्पा ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया। तो अंदर में दिखाते हैं कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक कॉलिंग बेल मिल जाएगा जो कि बजता है कि नहीं वो भी नहीं पता। तो चलिए अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते आप लोगों को ऐसा पर्दा बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, जो जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल उड़ता है ना, इसके वजह से ये वाला पर्दा लगा के रखे। तो अंदर एंट्री करते आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, देखो घर बहुत ज्यादा गंदा है क्योंकि बारिश हुआ था ना। बारिश होने से और जब ज्यादा धूप भी देता है तब भी हमारा घर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि जोर से जब तक घर में ना घर गंदा हो गया होगा। तो देखो ऐसे करके, और ये वाला रूम हम लोग का सबसे ज्यादा स्पेशल है। तो चलो इस रूम के अंदर जाके आप लोगों को दिखाते आखिर क्या स्पेशल है इस रूम पे। तो चलो, तो ये वाला रूम आप लोगों को खोलते ही ऐसा पर्दा दिखेगा, पर्दा को हटाओ। और ये देखो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल तो मेरा सिस्टर सोता है, ये सिस्टर का रूम आप लोग बोल सकते हो इस रूम को। और यहाँ पे एक ड्रेसिंग का अलमीरा रखा हुआ है। और इस रूम के साथ और एक रूम अटैच है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है बताए। ये वाला रूम देखो, ये हम लोग का हॉल है। हॉल है मतलब जब गेस्ट लोग आते हैं तो सब लोग यहाँ पे बैठने के लिए बोलते हैं, तो फैन ऑफ कर देते हैं क्योंकि फैन का आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो ये वाला रूम, ये एलिस यहाँ पे अड्डा मारता है। और ये रूम काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, आप लोगों को कैसा लगेगा नहीं पता, पर हमारे लिए तो ये रूम फाइव स्टार होटल है, हम लोगों का फाइव स्टार होटल है ये वाला, देख लो। और ये जो रूम आप लोग देख पा रहे हो ना, ये रूम मतलब पहले हम लोग का किचन हुआ करता था यहाँ पे, मतलब मिट्टी का बनाया हुआ किचन, मतलब मिट्टी का घर हुआ करता था। और अभी ये पक्का का हो चुका है और ये पप्पा का आइडिया है बताए, पप्पा ने बनाया है ये रूम। पप्पा को एकदम बड़ा स्पेस चाहिए होता था। और ये हम लोग का ऑफिस रूम पे ऑफिस रूम भी है, मतलब हम लोग एक छोटा मोटा बिजनेस है जो सब यहाँ पे ही इसी रूम से ही सब कुछ मैनेज होता है। तो यहाँ पे एक अलमीरा है जो मम्मी ने बनाने के लिए बोला है, मतलब यहाँ पे जितना कुछ है ना, मम्मी को ना ऐसा वुडन का अलमीरा ऐसा बनाने का बहुत शौक है, तो मम्मी बनाता रहता है जब मम्मी के पास ये जो अलमारी आप लोगों को दिख रही है,
केक बना के दिखाया पुराना सेकेंड हैंड। और यहाँ पे देख सकते हैं एलिस का बहुत सारा ट्रॉफी रखा हुआ है यहाँ पे, फाइव मिस कार्बियांगलोंग 2020 मिस कार्बियांगलोंग का भी ट्रॉफी। और और यहाँ पे बहुत ही स्पेशल चीज है देख सकते हो, ये मुझे टिफू में मेरा सब्सक्राइबर की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया था, आज भी मुझे याद है यार, मुझे बहुत ही स्पेशल फील हुआ था उस दिन जब ये वाला गिफ्ट मुझे दिया था। तो इसको रख देते हैं। और यहाँ पे देखो कार्बी योट फेस्टिवल 2022 का मतलब एलिस लोगों का, एलिस का जो पहला एल्बम है वो बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला था ये वाला अवार्ड। और यही है रूम वो, और बहुत सारा रूम है वो भी आप लोगों को दिखाता है, ये वाला देख लो पहले। तो आप लोगों ने ये वाला रूम भी देख लिया, आप लोग कमेंट में जरूर बताना ये रूम आप लोगों को कैसा लगा। ये रूम हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं तो यहीं पे हम लोग बैठने के लिए देते हैं। और ये जो सोफ़ा आप लोगों को दिख रहा है ये तो नया बनाया है, बट ये वाला जो सोफ़ा आप लोग देख पा रहे हो ना ये हमारा जन्म से पहले का, ये करीब 20-21 ईयर्स तो हो चुका होगा। तो मुझे पता है अभी आप लोग मेरा रूम देखने के लिए तरस रहे होंगे, और मेरा रूम मैं तो यार मेरा रूम दिखाने में भी शर्म लगता है क्योंकि मेरा रूम में कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस एक बेड है। तो चलो बताते नहीं है, डायरेक्ट दिखाते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को ये वाला रूम दिखा दिया, और यहाँ पे जो रूम दिख रहा है ना ये है मेरा रूम। तो चलो मेरा रूम का हालत क्या है अभी मुझे खुद नहीं पता, बहुत गंदा हो गया इतना तो बताइए। तो रूम खोलते ही आप लोगों को सबसे पहले तो देखो ये यहाँ पे पक्का था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वो वाला लगा दिया, कारपेट लगा दिया। और यहाँ पे एक पीसी है कंप्यूटर जो कि मैं चलाता नहीं हूँ, मेरा सिस्टर कभी कभी चलाता है। और यहाँ पे टीवी है, और आप लोग कमेंट में बताना यार हम लोग तो जब से फोन यूज करते ना करीब हम लोग 10 ईयर्स जैसे हो गया, हम लोग मतलब टीवी देखते ही नहीं है, जो देखना है मोबाइल में देख लेते हैं। और मेरा रूम में क्या क्या है वो दिखाता हूँ। मेरा रूम पे ऐसा एक अलमीरा है, अलमीरा या क्या बोलेगा मेरा रूम है, बट यहाँ पे सामान सिर्फ मेरा सिस्टर का है, आप लोग देख सकते हो मेरा सिस्टर का इतना ज्यादा कपड़ा है ना क्या बोलूं यार, देखो पूरा कपड़ा ही नहीं है यार कसम से। आप लोग खुद सोचो ना यहाँ पे एक दो पेन दिख रहा है ना, मेरा तो इतना ही है समझा, इसका इतना होने के बावजूद ये बोलता है कि इसके पास है ही नहीं। जब भी शादी में जाती हूँ नहीं, पापा जब अलमीरा लेके आएगा उसको चूल खींचके अलमीरा के सामने ऐसे करके लेके आएगा, ये खोल तो बोलेगा ना, और ये खोलेगा और पापा बोलेगा कि यहाँ पे कहाँ कपड़ा नहीं है। पापा उल्टा उसको बोलता है तेरा भाई लोगों को प्यार नहीं आता या तेरा भाई लोग ये बस हमेशा एक ही पहनता रहता है देखो। तो मेरा रूम ऐसा ही है देखो यहाँ पे कल का खाना भी यहीं पे अभी तक पड़ा हुआ है। देखो ये मेरा बेड है, सिंपल सा बेड है, कोई डिजाइन विजाइन नहीं है, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा घर गंदा करता हूँ ना इसलिए गंदा गंदा कपड़ा है मेरा रूम पे रखा हुआ होता है। तो मेरा रूम भी देख लिया आप लोगों ने, तो चलो अभी दूसरा रूम दिखाते हैं। तो मेरा रूम भी आप लोगों ने देख लिया, तो चलो अंदर की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि देख सकते हो वो है हम लोगों का एंडिंग पॉइंट, वो वाला खोलते हम लोग का बाथरूम वाथरूम नहीं दिखाना ठीक है, बहुत गंदा है। चलो एक बार दिखा दो ये, अरे ये तुम्हारा रूम है तो वो किसका रूम था जो वो टेम्पोररी है, ये परमानेंट है ठीक है, वो टेम्पररी है, जब फिर मत घुसो यहाँ पे हम घुसने कपड़ा बहुत मजा हुआ साइड। चलो अभी ओ भाई स्टार्टिंग देखो इसका रूम पे ऐसा सॉक्स भरा हुआ है। और यहाँ पे देखो बेड पे पूरा यहाँ पे भी इतना कपड़ा, आप लोगों ने अलमीरा में भी देखा इतना ज्यादा कपड़ा, यहाँ पे भी इतना ज्यादा कपड़ा, और यहाँ पे भी देख सकते हो कितना सारा कपड़ा है, फिर भी वो बोलता है कि कपड़ा। और इधर में भी है देखो, इधर में भी कितना सारा कपड़ा रखा हुआ है, सब एलिस का है पता है। और इधर में भी बहुत सारा रखा हुआ है, क्या ही बोलो, बट रूम बहुत ज्यादा गंदा है क्योंकि इस रूम में हम लोग बहुत कम ये भी रहता ही नहीं है यहाँ पे, मतलब ये मेरा कपड़ा अभी तक मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो एलिस का रूम पे मतलब क्या है गंदगी है। और यहाँ पे भी देखो कपड़ा पड़ा हुआ है, और ये पापा लोग का रूम है ये तो दिखाऊंगा नहीं छोड़ो, तो चलो आगे लेके चलते हम लोग। चलिए अभी आप लोगों को अपना किचन दिखाते हैं, ऐसा है किचन का अभी भी दरवाजा हम लोगों ने बनाया नहीं है, वो बहुत जल्दी बना देंगे। और देख सकते हो यहाँ पे चावल का कुछ बोस्ता रखा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे टाइल्स वेस्ट लगना बाकी है। और यहाँ पे हम लोगों का गैस टेबल है, 1 ईयर ही हुआ है मतलब अभी तक, मतलब पैसा ऐसा नहीं है इसलिए बनाया नहीं। तो देखो ये हम लोगों का किचन कुछ इस तरीके का दिखता है, सिंपल सा किचन है क्योंकि यार मिडिल क्लास है, सच बोल यार इतना ज्यादा पैसा नहीं है, अगर पैसा मेरे पास बहुत होता तो बहुत बड़ा बड़ा घर बनाता, बट घर बड़ा होगा
डोनेशन दो ना मुझे मतलब आप लोग एक बार बताता हूँ, घर बड़ा हो या छोटा हो वो मैटर नहीं करता, बस घर में खुशियाँ होना चाहिए, बता है जो हमारे घर पे है, हम लोग सब फैमिली मिलके बैठते हंसते हैं, वही है जिंदगी यार। घर कितना भी बड़ा हो फिर भी अगर आपका फैमिली लोगों के बीच आप लोगों का बातें नहीं होता, आप लोग दुख दुख अपनी फैमिली के साथ बात मतलब बातें नहीं हो तो मजा नहीं आएगा ना, बस वही है। तो गाइस आज का वीडियो में कुछ नहीं था, बस इतना सिंपल सा एक वीडियो था और आप लोगों को बताना था क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हो गया जो जोर वीडियो नहीं डाल रहे, तो मैं सही सलामत हूँ आप लोगों का कृपा से, बस कुछ परेशानियां था वो अभी खत्म हो चुका है, अब से कंटिन्यू वीडियो आने वाला है। तो बस आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और पैसा जरूरी नहीं है बताए, खुशियाँ जरूरी है।